दोस्तों खुशामदीद। दोस्तों वही कुछ होने जा रहा है जिसका किसी ने सोचा भी ना था। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी, इलेक्शन और इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ की वापसी, बहुत बड़े फैसले हो चुके हैं। दोस्तों ये कप्तान की गिरफ्तारी की खबर क्या है, आइए मोहम्मद मालिक की इस खबर की तरफ चलते हैं जो उन्होंने राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दी है। दोस्तों वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। दोस्तों सीनियर साफी मुमताज तजिया निगार मोहम्मद मालिक ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि जिस तरह फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसिस बुलाकर अहम ऐलामिये जारी किए गए हैं, जिस तरह कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, उनके असरात, उनके नतायज निकलने वाले हैं। जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री कोर्स से मुतालिक अहम फैसले हुए, जिस तरह कौमी असम्बली से मिलिट्री कोर्स से मुतालिक बिल पास हुए, मतलब एक मुकम्मल ग्राउंड तैयार किया गया है। और यकीन करें, एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना और बाद अज़ां ये कहना कि मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं, मुझे फलां बंदे ने कहा है, ये इंतहाई संजीदा इल्ज़ाम है। और शायद अब ये मामला कप्तान के गले पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब की बार कप्तान के अपने बयान, सोशल मीडिया पर मौजूद ट्वीट, वीडियोज, इतना कुछ बेशुमार मवाद मौजूद है, अब उनको साबित करना कप्तान के लिए एक इंतहाई मुश्किल मरहला होगा। और एक झूठा बयान, और वो भी किसी आर्मी ऑफिसर पर लगाना, उस इदारे के लिए ही इंतहाई खतरनाक होता है। और अब जब तक कप्तान ये साबित नहीं करते, उस वक्त तक कप्तान की जान नहीं छूटनी। मोहम्मद मालिक का कहना था कि इस वक्त इदारों के लिए पीछे हटना भी मुश्किल है, क्योंकि इनकी अपनी साख मुतासिर होती है कि जिस तरह झूठे बेबुनियाद इल्जाम एक हाजिर सर्विस पर लगाए गए हैं। मालिक का कहना था कि जो सूरत हाल बन चुकी है, अब मुझे सिर्फ यही लगता है कि कप्तान को कोई मौजजा ही बचा सकता है, वरना हालात इंतहाई खतरनाक हैं। और एक के बाद एक हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि अनकरीब अगले चंद रोज में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हुआ है कि जो भी होगा वो फौरी फौरी सबूत देखकर फैसले किए जाएंगे। और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जैसे कह रहे हैं कि उन्हें फलां शख्स ने कहा, अब उस फलां शख्स का नाम कप्तान को बताना होगा, और अगर कोई फलां शख्स है तो उस शख्स को सबूत देना होंगे। मालिक ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, मुझे खान की गिरफ्तारी बड़ी वाज़ह नजर आ रही है, और अगर इसको दूसरे पहलू से देखें, मतलब सियासी पहलू में देखें, तो इलेक्शन से काबिल तहरीक इंसाफ इमरान खान का पत्ता साफ करना ही सबके हक में है, और शायद जो अब होने जा रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी की हतमी खबर वसीम बादामी ने दे दी है। वसीम बादामी का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी सिर्फ दो सूरतों में होगी, एक तो उन्हें वजीर आजम बनाने की गारंटी दी जाए। वजीर आजम बनाने की गारंटी देने का मतलब है तमाम केसेस में बरी करना, तमाम केसेस को खत्म करना। अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ अगले एक माह में पाकिस्तान में होंगे। राणा सना जो कुछ कह रहे हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि एक बयानिया, एक नुक्ता नजर सबके सामने है। विफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला ने कहा है कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं, आने वाले दिनों में हैरानकुन आदादोशुमार सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बाकायदा बगावत की तैयारी कर रहा था, मुल्क पर काबिज होकर अपने घटिया एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। अब राणा साहब की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लें, गद्दारी और बगावत तक की बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राणा सनाउल्ला ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने फौज के सीनियर ऑफिसर, वजीर आजम और मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाया, इल्जाम के कोई सबूत फराहम न कर सके। JIT ने चेयरमैन पीटीआई को झूठा और मक्कार करार दिया, उन्होंने अपने कत्ल के गलत इल्जाम आयद किए। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि उन्होंने सुनी सुनाई बात पर इल्जाम आयद किए। वजीर दाखिला ने कहा है कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई ने अपनी गिरफ्तारी को रेड लाइन के तौर पर सामने रखा, एक साल से गुलेल फोर्स पेट्रोल बम की तैयारी की, पार्टी कारकुनों की जहनसाजी की गई, ये लोग 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स तैयार कर रहे थे। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून पूरी तरह हरकत में है। 9 मई वाकयात ऑडियो वीडियो इकबाली बयानात पर जल्द पेशरफ्त होगी। राणा सनाउल्ला ने कहा है कि किसी बेगुनाह को मुलविस नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम के इसराइल दुश्मन हमसाया मुल्कों से ताने बाने मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर खवातीन के साथ बदसलूकी का एक प्रोपेगंडा किया गया, जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोपेगंडे को उन खवातीन ने मुस्तरद किया, इस फितने की 9 मई को इसने खुद शिनाख्त कराई, अब फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वाले दिन मालूम था कि एहतजाज करेंगे, सियासी एहतजाज के बजाय शोदा की यादगारों पर हमला किया गया। एहतजाज की हद तक तो मालूम थी, लेकिन शोदा की यादगारों को जलाने की नहीं। 9 मई को पुलिस को हिदायत थी कि असलाह इस्तेमाल नहीं करेंगे,
पुलिस ने इनको रोकने की भरपूर कोशिश की। कौम अपनी मुसल्ला अफवाज और मुहिब वतन कुवतों के साथ खड़े हो गए और शरपसंदों को नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने मजीद कहा है कि पार्लियामेंट वजीर आजम हाउस की तोहीन पर सजा मिलती तो 9 मई का वाकया न होता। सिर्फ बयानबाजी पर नहीं शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। झूठ बोलना और फिर पीछे हटना, ये चेयरमैन पीटीआई का तरीकाकार है। अब ये एक्सपोज हो चुका है, कौम इस पर एतमाद नहीं करेगी। आर्मी एक्ट का तरीकाकार बहुत बारीक बीनी पर मुश्तमिल है। मिलिट्री तनसीबात के हवाले से 7 केसेस हैं। राना सनाउल्ला ने कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। साबिक वजीर आजम के तौर पर कानून के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी दी गई है। इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी का खातिर का इंतजाम किया गया है। चेयरमैन पीसीबी के मामले पर किसी जमात की एक राय हो सकती है, इस हवाले से इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं। वजीर आजम तमाम जमातों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अभी तक किसी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मेरी जाती राय में पंजाब में हमें इंतखाबी इत्तेहाद की जरूरत है, ना ही ये हमारे सियासी मफाद में होगा। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सियासी जमातों से बात हो सकती है। चेयरमैन नादरा पर इस्तीफा लेने के हवाले से कोई दबाव नहीं। इंक्वायरी का अमल हुआ था लेकिन कोई सीरियस बात नहीं थी। चेयरमैन नादरा को हुकूमती एतमाद पर काम करना होता है। आर्मी चीफ का डेटा लीक करने में चेयरमैन नादरा का जाती कोई अमल दखल नहीं था। दूसरी तरफ आप कप्तान के बयान देख लें, वो आज भी पीछे हटने को तैयार नहीं, जो मेरे ख्याल में कप्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना है कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इसका फायदा पहुंचा। पीटीआई सरबराह ने 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों के तायुन से मुतालिक ट्वीट करते हुए लिखा कि 9 मई को होने वाले जलाव घेराव के जिम्मेदारों का तायुन करने का एक सादा तरीन तरीका ये है कि हम अपने सामने एक कलीदी सवाल ये रखें कि उन पुरतशद्दुद वाकयात का सबसे बढ़कर फायदा पहुंचा किसे है। यकीनन ये तहरीक इंसाफ तो नहीं है। उन्होंने मजीद लिखा कि दूसरा अहम सवाल जिसका जवाब मंजर को बहुत हद तक वाजे और शफाफ कर देगा, ये पूछा जाए कि कैसे महज 48 घंटों में ही एक नहायत मरबूत और हैरत अंगेज मनसूबे के तहत बाकायदा हदफ बनाकर तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान सपोर्टर्स और तहरीक इंसाफ के बयानियों को मस्बत निगाह से देखने वाले साफियों को या तो कैद कर लिया गया या बजोर जबर आजिज़ो गैर मुतालिक कर दिया गया। दोस्तों मेरे ख्याल में अब कप्तान की किसी ने नहीं सुननी, क्योंकि अब सिर्फ शवाहिद पर बात होगी जो कप्तान को देने पड़ेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मामलात कप्तान के लिए साजगार नहीं रहेंगे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। या बजोर जबर आजिज़ो गैर मुतालिक कर दिया गया। दोस्तों मेरे ख्याल में अब कप्तान की किसी ने नहीं सुननी, क्योंकि अब सिर्फ शवाहिद पर बात होगी जो कप्तान को देने पड़ेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मामलात कप्तान के लिए साजगार नहीं रहेंगे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।